हेलो गाइस, माय नेम इज सेड, वेलकम टू मिस्टर हेड यूट्यूब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गूगल शीट्स। दोस्तों, गूगल शीट्स जो है सिमिलर है एक्सेल के, सो लेट्स गेट स्टार्ट। गूगल शीट रेंजेस, तो शीट की रेंजेस कहाँ तक होती हैं आज इस वाले वीडियो में हम जानेंगे। एंड इसके बाद सिलेक्टर सेल सिलेक्ट को एक्सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल सेल कैसे सिलेक्ट करते हैं, कॉल्यूम को कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक जो बॉक्स लिया है इन्होंने सिंपल सा, उसकी A1 लोकेशन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये मैं करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल सा एक्सेल है, ये इसकी लोकेशन है, C4 इसकी लोकेशन है, E4 इसकी लोकेशन है, C8 इसकी लोकेशन है, A6 इसकी लोकेशन है। ये A6 कैसे A रो एंड इधर से 7 मीन्स A7। अभी यहाँ पे 7x7 बता रहा है, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो A7 हो जाएगा, यहाँ पे आऊँगा B7, C7, D7, E7 एंड F7, G7, XYZ तक चलेगा है। एंड इसके बाद आगे भी अगर आप लेना चाहते हो तो A A B A, ऐसे आगे और बढ़ता ही जाता है। एंड इसके बाद मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5 जितने सेल सिलेक्ट करने हैं वो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये मैंने इतने सारे सेल सिलेक्ट कर दिए हैं, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस कमांड्स। अगर आपको कॉल्यूम सिलेक्ट करना है पूरा तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ जाएँ, ये हाथ जैसा चिन्ह आ जाएगा ना, हैंड, ये देखिए आप, ये तो पूरे कॉल्यूम को सिलेक्ट कर देगा है, ठीक है। तो ये है सिलेक्टिंग एंड कॉल्यूम। एंड अगर आप रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रो पे जाएं, ऐसे क्लिक करें, हैंड आ गया एंड वहाँ क्लिक करें आप, तो ये पूरी रो को सिलेक्ट कर देगा। जैसे मेरे को 6 वाली रो पूरी सिलेक्ट करनी, ये जो है जेड तक सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जेड लास्ट, ये जेड कॉल्यूम मीन्स इधर जो है आपकी रो है एंड ये है आपकी कॉल्यूम, रो कॉल्यूम्स। तो नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटायर शीट, मतलब आपको अगर पूरी शीट सिलेक्ट करनी है, जैसे ये तो रो हो गई, ये कॉल्यूम है, तो ये अगर आपको पूरी शीट सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे जो ये थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है इस पे जाके आप क्लिक कर दें तो ये पूरी शीट जो है सिलेक्ट हो जाएगी। और इसमें कितने हैं, इसकी लोकेशन देख सकते हैं आप, 1 to 1000, ये है इसकी पूरी लोकेशन। एंड अगर आप सिलेक्शन ऑफ रेंज से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको A1 से लेके B D10 तक करना है, तो ऐसे डायरेक्टली आप लोकेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से A1 से लेके डबल बिंदी लगाएं यहाँ पे, ये ज़रूरी है, D10 तक सिलेक्ट करना है तो ये करें आप, तो ये D10 तक सिलेक्ट हो गई है। यहाँ भी आप ऊपर जाएंगे, ये देखिए आप A1 to D10, ये वाला जो कॉल्यूम है ये D10 पे है, A1 to D10। एंड नेक्स्ट ये A1 से D10 तक सिलेक्ट है, डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो वो लोकेशन वही लेगा, A1 to C8। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।